मेरा नाम डॉक्टर पुनीत वर्मा है, मैं मेडिपल्स में कार्यरत हड्डी रोग विशेषज्ञ हूँ। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि घुटने और कूल्हों के प्रत्यारोपण के बाद मरीज चलना फिरने में असमर्थ रहते हैं, गांव में खेत वगैरह नहीं घूम सकते हैं, गाड़ी नहीं चला सकते हैं, पालथी मार के नहीं बैठ सकते हैं। ये सब जो है, ये सब आज की स्थिति में ये एप्लीकेबल नहीं है। हम लोग जो ऑपरेशन करते हैं, हमारा मरीज यहाँ से चलते फिरते जाता है, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना करता है। ऑपरेशन की तारीख से 2 हफ्ते में मरीज पालथी मार के भी बैठते हैं, साइकिल ट्रैक्टर खेत में घूमना फिरना ये सब करते हैं। ये सब सुविधाओं से मरीज की जो जीवन शैली है उसमें बहुत फर्क पड़ता है और आगे चल के मरीज को बिना किसी दर्द से चलने फिरने में बहुत राहत रहती है। आमतौर पर हम देखते हैं कि आज के समय में बहुत यंग लोगों में ही घुटनों की और कमर की समस्या शुरू हो जाती है, तो ऐसे में हम सही समय से उसका पता करके कि एग्जैक्टली क्या दिक्कत आ रही है, किस कमी की वजह से उनको दिक्कत आ रही है, उसका ट्रीटमेंट चालू करके दर्द की और ताकत की दवाई देके पेशेंट का इलाज करते हैं, ताकि आगे चल के उनको कभी किसी कोई सीरियस समस्या ना हो और आगे चल के ऑपरेशन की आवश्यकता न पड़े। सही समय पर सही चीज़ का पता करके उसका ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं।